हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं, वह रेपिक्लेव 375 mg टैबलेट है। IPCL लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूं कंटिन्यू, इसके पहले करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस प्रोडक्ट में एमोक्सिसिलिन 250 mg और क्लेवलेनिक एसिड 125 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। इस मेडिसिन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइस के बारे में। तो मार्केट में 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप 161 rupees का उपलब्ध होता है। डिफरेंट फार्मा ऐप के द्वारा आप इस मेडिसिन को कुछ कम कीमत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर कंपनी के द्वारा मेडिसिन के प्राइस को रिवाइज़ किया जाता है, अतः बेहतर होगा कि आप जिस समय मेडिसिन को परचेस कर रहे हैं उस समय उसका प्राइस आप अवश्य पता करें। अब देखते हैं रेपिक्लेव 375 mg टैबलेट के वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मॉक्सिकाइंड CV 375 mg टैबलेट, जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। क्लेवम 375 mg टैबलेट, जिसे एल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है। मॉक्सिक्लेव 375 mg टैबलेट, जिसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सेंसिक्लेव 375 mg टैबलेट, जिसे मैक्लियार्ड्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और MPX CV 375 mg टैबलेट, जिसे हेट्रो ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सेम कंपोजिशन के साथ मार्केट में उपलब्ध है कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो आप परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बैक्टीरिया से होने वाले सारे इन्फेक्शन के निदान के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अदर इन्फेक्शंस, इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन जिनका ओरिजिनेशन बैक्टीरिया के कारण होता है, ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रेपिक्लेव के साइड इफेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो उल्टी का होना, जिमी चलाना, चक्कर आना और डायरिया होना इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे साबुत निकलना चाहिए, इसे चबाना, कुचलना, पीसना या तोड़ना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले इसके एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ लेने से यह गैस्ट्रिक अपसेट या स्टमक अपसेट से आपको बचाती है। रेपिक्लेव टैबलेट कैसे काम करती है? तो फ्रेंड्स, यह दो टैबलेट यानी दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, एमोक्सिसिलिन और क्लेवलेनिक एसिड। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है जो आपके शरीर के अंदर गए हुए बैक्टीरिया की सेल वाल को बनने से रोकता है, जो बैक्टीरिया के मानव शरीर के अंदर जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, किल हो जाता है, आप अपने लक्षणों में बेहतरी महसूस करते हैं। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला क्लेवलेनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, जो रेजिस्टेंस को घटाता है और बैक्टीरिया के खिलाफ एमोक्सिसिलिन की गतिविधि को बढ़ाता है, उसके एक्शन को बढ़ाता है। और कंबाइंड रूप से दोनों मेडिसिन के काम करने के कारण आप अपने लक्षणों में बेहतरी महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, लक्षणों के ठीक होने के पश्चात भी आपको मेडिसिन का कोर्स पूरा किए बिना आपको मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए, इससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर आपको लक्षण पलट कर दोबारा होते हैं तो फिर वही मेडिसिन आपके शरीर में कारगर नहीं रहती है, इसलिए आपको यह सजेस्ट किया जाता है कि समय से पहले मेडिसिन आपको बंद नहीं करना चाहिए, मेडिसिन के कोर्स को पूरा करना चाहिए, उसके पश्चात ही मेडिसिन को बंद करना चाहिए। दस्त जनरली देखा जाता है इस मेडिसिन में दुष्प्रभाव की तरह होते हैं। प्रोबायोटिक के साथ अगर मेडिसिन को आप सेवन कर रहे हैं तो आपको दस्त नहीं लगेंगे, फिर भी अगर आपको दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है या मल के साथ खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। इस मेडिसिन को अधिक मात्रा में भोजन एवं पानी के साथ लेने के कारण गैस्ट्रिक अपसेट से आपको राहत मिल सकती है। अगर आपके स्किन पर रैशेस हो रही है, चेहरे, गले या जीभ में सूजन हो रही है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको इस मेडिसिन का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर को आपको सूचित करना चाहिए। मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके दुष्प्रभावों को बढ़ा सकता है। जनरली गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इस मेडिसिन को सेफ पाया गया है, परंतु इसके पश्चात भी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर से अवश्य ही परामर्श करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दवा से संबंधित सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में यह वीडियो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि वीडियो के आधार पर आप मेडिसिन का सेवन ना करें, यह घातक हो सकता है।
अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रेपिक्लेव 375 mg टेबलेट को लेकर हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें, मुझे जानकर खुशी होगी। अभी इस टॉपिक में बस इतना ही, किसी अन्य अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्दी आप तक फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।